हेलो दोस्तों, करियर पॉइंट क्रिएशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये रिंग बनाने का बहुत ही इजी प्रोसेस बताएं। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप इस वीडियो को फॉलो कर ये रिंग बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये रिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया। ये सर्कल रिंग की आईडी है। आईडी का मतलब होता है रिंग का साइज़। अब इस आईडी से हम 1 mm ऑफसेट करेंगे, कुछ इस तरह से। ऑफसेट करने के बाद एक रेक्टेंगल बनाएंगे दोस्तों हम, कुछ इस तरह से। एक अंदाजे से हमने एक रेक्टेंगल बना लिया है। अब इस रेक्टेंगल को हम मेजर करेंगे। ये हमें थोड़ा छोटा लग रहा है, तो स्केल करके इसे हम थोड़ा बड़ा बना लेंगे। अब हम फ्रंट व्यू में आएंगे। फ्रंट व्यू में आने के बाद इस रेक्टेंगल को हम रिंग के टॉप के साइड मूव कर देंगे। अब हम दोस्तों रिंग की डंडी बनाएंगे। रिंग की डंडी बनाने के लिए हम राइट व्यू में आएंगे। राइट व्यू में आने के बाद हम इस सर्कल को ऑफसेट करेंगे 1.3 से, और इस कर्व को हम नीचे से पॉइंट पकड़कर ऊपर रोटेट कर देंगे। जहाँ तक हमारा रेक्टेंगल का वाइड है वहाँ तक हम इसे रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद दोस्तों, ये जो हमारा रिंग की आईडी का ऊपर वाला जो सर्कल है, अब इस कर्व को सरफेस बनाना होगा। एक्सट्रूड कर्व से हमने यहाँ पर शॉर्ट की का यूज़ किया है। अब एक्सट्रूड कर्व कमांड आपको कहाँ से मिलेगा? आपको सरफेस पे जाना है। सरफेस पे जाने के बाद एक्सट्रूड कर्व पे जाके स्ट्रेट पर क्लिक कर देना है। आपके पास कुछ इस तरह से सरफेस बन जाएगा। अब दोस्तों, हमें इस सरफेस के ऊपर ये कर्व प्रोजेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें इस कर्व को बिल्कुल बीचों बीच स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद आधे कर्व को हम डिलीट कर देंगे। अब इसको हम रिबिल्ड करेंगे दोस्तों 0.8 से। अब इसके पॉइंट को हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। अब हम फ्रंट व्यू से ड्रिंक की डंडी को चेक करेंगे और थोड़ा सा इसे हम थोड़ा और एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद हम इस डंडी को मिरर कर देंगे। मिरर के बाद दोस्तों, इसे हम सिंपली लॉफ्ट कमांड से सरफेस बना लेंगे। अब सरफेस बनाने के बाद अब इस सरफेस पे हमें 1 mm का ऑफसेट करना है, कुछ इस तरह से। बोथ साइड 1 mm का ऑफसेट करना है, और नीचे से हमें एक ऐसी इस तरह से लाइन बनानी है। लाइन बनाने के बाद अब इस कर्व को इस सरफेस से हमें ट्रिम कर देना है, कुछ इस तरह से दोस्तों। ट्रिम करने के बाद इसे हम मेटल बना देंगे। अब हम एक सर्कल बनाएंगे, कुछ इस तरह से। अब एक लाइन बना लेंगे। अब इस लाइन को हम रिबिल्ड करेंगे 0.4 से। अब इन दोनों पॉइंट को पकड़ के थोड़ा एडिट करेंगे हम, कुछ इस तरह से। अब हम स्विफ्ट टू रेल कमांड लेंगे। अब इस कमांड से हम इस सरफेस को बना देंगे। इसे हम सिंपली मिरर कर देंगे। मिरर करने के बाद इसे थोड़ा स्केल करके हमें एडजस्ट कर लेना है। और कॉपी करके इस डिजाइन को इस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे। दोस्तों, इसमें जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है वो बड़ा होगा, बीच वाला थोड़ा छोटा होगा, और जो नीचे वाला है वो और थोड़ा छोटा होगा। हमें इस हिसाब से इसको बना लेना है। अब ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को हम सिंपली पैच कर देंगे। पैच कमांड से हम इसे पैच कर देंगे। पैच करने के बाद इसे हम ऑफसेट करेंगे 1 mm से। ऑफसेट करने के बाद अब इस ऑफसेट कर्व को हमें अगेन पैच कर लेना है। अब दोस्तों, बाहर वाला जो सरफेस था उसको हम 1.2 mm से ऑफसेट करेंगे, और अंदर वाले सरफेस को हम बोथ साइड ऑफसेट करेंगे 0.5 से। ऑफसेट करने के बाद दोस्तों,
ऑफसेट करने के बाद दोस्तों हमें इसे बूलियन डिफरेंस भी कर लेना है। बूलियन डिफरेंस करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से डिज़ाइन देखेगा। अब हम साइड वाला सरफेस को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद नीचे मूव करके इसको हम सिंपली मेटल बना देंगे। अब रिंग की जो डंडी है उसका भी सरफेस को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इस तरह से हम इसे ऑफसेट कर लेंगे। अब दोस्तों रिंग की जो आईडी थी उस आईडी से इस मेटल को वायर कट के थ्रू काट देंगे। काट देने के बाद सिंपल इसे मिरर कर देंगे। मिरर करने के बाद इसके किनारे को हम थोड़ा राउंड शेप में डालेंगे। अब हम इस डंडी को मिरर कर देंगे। तो लीजिए दोस्तों हमारा जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों बीच में आप डायमंड बिठाइए या कोई और डिज़ाइन आप यहाँ पर बिठा सकते हैं। हमारे जो रिंग का मेन काम था वो हमने कर दिया है। अब बीच में आप अपने हिसाब से कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।